व्हाट्स अप गाइस, मैं चौधरी शमशाद फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं मॉरल मेड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक अहम टॉपिक के बारे में, जो कि है पिंपल्स। पिंपल्स है बहुत ही मतलब इन्फेक्टिव डिसीज़ है जो कि बहुत लोग को हो जाती है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि पिंपल्स हमें क्यों होता है, किस वजह से होता है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले, जंक फूड खाने की वजह से ब्लड प्रॉब्लम, खून में बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हमारा खून ही ख़राब रहेगा तो ओबियसली पिंपल्स होंगे। या तो जेनेटिक्स भी होता है, किसी किसी का, किसी के बाप दादा को था या तो उसके बड़े घर में जो रहते हैं उनको ये होता है। मेडिसिन रिएक्शन की वजह से होता है। या फिर एयर पोल्यूशन, मतलब जो हवाओं में गंदगी, डस्ट, पोलन ग्रेन्स, हवाएं, जो भी केमिकल्स उनमें मिला होता है उनकी वजह से ये होता है। या फिर बहुत जहरीले केमिकल्स हमारे हवाओं में घूमते रहते हैं जो हमारी स्किन पर आकर जम जाते हैं, उससे की वजह से भी पिंपल्स होता है। एक्सेसिव मेकअप, अगर लेडीज़ की बात की जाए तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं जिनकी वजह से रिएक्शन हो जाता है और पिंपल्स निकल आते हैं। इसे डाइट प्लान ना लेना, मतलब अच्छी तरीके से खाना ना खाना या फिर डाइट नहीं लेना, मतलब लैक ऑफ विटामिन ए सी ई, विटामिन ए सी ई की कमी से भी होता है या फिर विटामिन के की कमी से होता है। अब बात करते हैं हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जो चेहरा है उसको अच्छी तरीके से धोएं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा धोएं नॉर्मल वाटर से। ज़रूरी नहीं कि आप शैम्पू या तो साबुन, किसी भी केमिकल वाली चीज़ का इस्तेमाल करें, नॉर्मली आप वाटर से धो सकते हैं। आप अपने स्किन की केयर करें, जैसे कि दो टाइप्स की स्किन होती है, एक ऑयली होती है, एक ड्राई होती है। अगर ऑयली है तो आप कुछ ऐसे मतलब घरेलू टिप्स होते हैं उसके ज़रिए आप उसको ड्राई कर सकते हैं, या फिर ड्राई है तो उसको मॉइस्ट कर सकते हैं। और हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्ट रखें। या तो फिर उससे भी ठीक नहीं होता है तो OTC मेडिसिन, जो कि मेडिकल पर इजीली अवेलेबल होते हैं, मगर वो भी ज़्यादा ना खाएं, उससे भी रिएक्शन हो सकते हैं। हेल्थी डाइट लें, जैसे कि वेजिटेबल्स, स्पाइनिश, येलो फ्रूट्स, ऑरेंज फ्रूट्स, मतलब जितने भी किस्म के येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका उपयोग करें। और हमेशा पानी पिएं, दिन में कम अज़ कम 8 से 10 ग्लास पानी पीने से हमारी स्किन हेल्थी रहती है। और जो लेडीज़ हैं वो मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मेकअप में बहुत ज़्यादा केमिकल, आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जिससे कि हमारी स्किन ख़राब होती है। और सन होता है, डायरेक्ट सनलाइट से बचें, सन एक्सपोजर, या तो आप निकले तो छतरी या तो कुछ भी आप अपने ऊपर डाल सकते हैं। जंक फूड होता है, बाहर के जो खाने पीने की अशिया चीज़ें होती हैं, फूड्स गुड्स होते हैं, उससे ज़्यादा खाने से बचें। और विटामिन ए, ई, के, सी, इन चारों पाँच विटामिन्स का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो चला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।